आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंट्रोल बटन कितने होते हैं, उसका क्या यूज होता है, और कमांड इनपुट बॉक्स क्या होता है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे लोगो कमांड क्या है, ठीक है, क्या क्या लोगो कमांड होता है जो हमें अपने प्रोग्राम में एक्चुअली यूज़ करना है। ठीक, लोगो कमांड मूव द टर्टल फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये जो है हमारा टर्टल है, लोगों का कमांड के हेल्प से हम लोग अपने टर्टल को आगे पीछे और रोटेट कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन का याद रखिएगा आप लोग, जब वो क्लॉक डायरेक्शन क्लॉक वाइज में घूमेगा तो राइट डायरेक्शन होगा, और जब एंटी क्लॉक वाइज में घूमेगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि जब घड़ा घड़ी के दिशा में जब घूमेगा तो वो राइट होगा, जब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा यानी कि उल्टे दिशा में घूमेगा तो उसको हम लोग लेफ्ट कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी कि मूव फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ाओ, तो क्या लिखने का तरीका होगा, फॉरवर्ड FD और कितने नंबर ऑफ स्टेप उसको आगे बढ़ाना है। तो लिखने का तरीका क्या है बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, FD लिखते हैं। ठीक है, FD लिख के हम लोग स्टेप डाल देंगे, FD 60। तो वो 60 स्टेप क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। ये लिख के हम लोग एस्क्यूट बटन दबा देंगे या फिर इंटर बटन दबा देंगे, तो वो 60 स्टेप आगे चला जाएगा। बैकवर्ड, बैकवर्ड को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, BK से डिनोट करते हैं, और इसमें भी लिख देंगे कि कितने स्टेप पीछे जाना है, 60, तो वो 60 स्टेप पीछे चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। बैकवर्ड कमांड यूज टू मूव द टर्टल बैकवर्ड यानी कि पीछे डायरेक्शन में ले जाएगा ये, जितने नंबर ऑफ स्टेप डालेंगे आप उतने नंबर ऑफ स्टेप वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे कि RT क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, और बैकवर्ड कमांड मैंने आप लोग को बताया है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।